मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं उन पे बहुत असर करता है, उन पे बहुत फायदा पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मर्जरी आसन के बारे में। मर्जरी आसन, जिसको हम कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं, ये बहुत ही सरल और बहुत ही लाभकारी आसन है। ये हमारी गर्दन, हमारी स्पाइन, हमारी बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और खासकर लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। और अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो भी आप केयरफुली इस आसन को कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय जाया किए हुए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम मर्जरी आसन को कर सकते हैं। तो मर्जरी आसन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएं, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स को अपने हील्स के ऊपर रखेंगे, पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी, धीरे धीरे हम अपने घुटनों पर आएंगे ऊपर की ओर और आगे की ओर झुकते हुए अपने हाथों को नीचे रखेंगे। अपने हाथों को इस तरीके से प्लेस करना है कि हमारे हाथ शोल्डर से बिल्कुल सीधे, हमारे पैर बिल्कुल सीधे, कमर से नीचे तक पूरे सीधे, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। अभी हम इनहेल करते हुए सांसों को लंबा गहरा अंदर भरते हुए अपने सर को ऊपर की ओर उठाएंगे और पीठ हमारी नीचे, पूरा स्ट्रेच, हमारी पीठ पूरी नीचे और गर्दन पूरा ऊपर। फिर सांसों को छोड़ते हुए गर्दन हमारी नीचे, पीठ हमारी ऊपर, पूरा स्ट्रेच और फिर वापस वज्रासन में आ जाएंगे। तो मर्जरी आसन में हम जब एक बार अपने सर को ऊपर की ओर इनहेल करते हुए उठाते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए जब नीचे लाते हैं, ये होता है राउंड वन। तो इस तरीके से हम कम से कम 10 राउंड कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ध्यान रहे कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप इस प्रैक्टिस को वहीं पर रोक देंगे। इस आसन को लगभग सभी लोग कर सकते हैं। यह हमारी बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, तो जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जब भी हम मर्जरी आसन करते हैं, ये हमारे नेक, शोल्डर और स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और इन सारी जगहों पे हमारे नेक में, शोल्डर्स में और स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन पे बहुत अच्छा काम करता है। उनके जो पीरियड्स का टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं, उन पे बहुत असर करता है, उन पे बहुत फायदा पहुंचाता है। तो ये कुछ फायदे हैं मर्जरी आसन के। अगर आपको कोई भी परेशानी है जिसमें आपकी गर्दन, आपके शोल्डर, आपकी स्पाइन, आपकी बैक, इसमें कभी कोई दर्द होता है या आपको कोई परेशानी होती है, तो आप मर्जरी आसन को जरूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा आसन कैट एंड काउ पोज के ऊपर, मर्जरी आसन के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स फैमिली को ये वीडियो प्लीज शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।